हेलो बच्चे, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर मेड ऑफ मटेरियल ऑफ बल्ब मॉड्यूलस बी इज सराउंडेड बाय लिक्विड इन अ सिलिंड्रिकल कंटेनर. अ मासलेस पिस्टन ऑफ एरिया ए फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड. व्हेन अ मास एम इज प्लेस्ड ऑन द पिस्टन टू कंप्रेस द लिक्विड फाइंड फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस ऑफ द स्फीयर. तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले ये देखते हैं कि एक सिलेंड्रिकल कोई कंटेनर है और इसमें सॉलिड स्फीयर जिसका रेडियस है आर, ठीक है, रखा गया है और इसका बल्क मॉड्यूलस है बी और सराउंडेड बाय ए लिक्विड, किसी लिक्विड से वो सराउंड किया गया है और एक मासलेस पिस्टन ऑफ एरिया, मासलेस पिस्टन जिसका एरिया ए है, गिवन है एरिया ए, फ्लोट ऑन द लिक्विड एरिया ऑन द सर्फेस ऑफ द लिक्विड. वेन अ मास एम इज प्लेस्ड ऑन द पिस्टन, और मास एम का कोई ब्लॉक अगर पिस्टन पर रखा गया है जो इस लिक्विड को कंप्रेस करेगा, तो हमको निकालना क्या है, फ्रैक्शनल चेंज इन द रेडियस ऑफ स्फीयर. डेल्टा आर अपॉन आर क्या होगा ये निकालना. लेट्स डिस्कस द की कॉन्सेप्ट. हम जानते हैं कि बल्क मॉड्यूलस की डेफिनेशन क्या होती है, बी इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. ये कोई बॉडी है, इस पे फोर्स लग रहा है चारों तरफ से एफ, ठीक है, और एरिया ए है, तो स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू एफ अपॉन ए बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मीन्स डेल्टा वी अपॉन वी. फिर हम इसको री राइट करें तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू ये एफ अपॉन ए का मतलब प्रेशर और डेल्टा वी और वी पर चला गया. दिस इज द माई, ये होता है बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू माइनस पी वी डेल्टा वी. साइन इंडिकेट करता है कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो इंक्रीज इन पी, वॉल्यूम इसका डिक्रीज होगा, ठीक है. ये हो गया. अब इस सिस्टम पे के ऊपर जो हमारा दिया हुआ है सिस्टम, अगर हम इस पे देखें तो इस पे वेट लग रहा होगा डाउनवर्ड एम जी ड्यू टू द मास एम. वेट इज इक्वल टू हो जाएगा एम जी, यहाँ पे कैपिटल एम है तो इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं एम जी, और एरिया ऑफ द पिस्टन गिवन है ए, तो प्रेशर क्या हो जाएगा एम जी, मतलब स्ट्रेस क्या हो जाएगा एम जी अपॉन ए. ये तो हो गया. और हमको क्या निकालना है, बल्क मॉड्यूलस की डेफिनेशन में आता है डेल्टा वी अपॉन वी. तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज गिवन एज 4/3 πr³. अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू आर, यानी डेल वी अपॉन डेल आर, तो क्या हम लेंगे 4/3 π³², ठीक है, 3 3 गेट कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा 4πr². इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन वन और इसको मान लेते हैं इक्वेशन टू, ठीक है. अब अगर और इसको हम इसको रीराइट कर लेते हैं, डेल वी इज इक्वल टू 4πr² डेल आर, ठीक है, इसको इक्वेशन थ्री मान लेते हैं. अगर इक्वेशन थ्री में डिवाइड कर दें वॉल्यूम से डेल वी अपॉन वी, तो क्या करना होगा, 4πr² डी आर अपॉन 4π3 πr³, ये हो जाएगा, ठीक है. तो 4π गेट कैंसल्ड, r² और r² गेट कैंसल्ड, तो क्या आ गया हमारा डेल वी. डेल वी मतलब चेंज इन वी विथ रिस्पेक्ट टू आर, यही होता है ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये स्मॉल के लिए डी यूज़ करते हैं और थोड़ा लार्ज चेंज के लिए डेल वी अपॉन वी को हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ये किसके बराबर आ गया, 3 डेल आर अपॉन आर, ठीक है, ये आ गया. अगर हम इस इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर वन को और ये वाली इक्वेशन, इसको अगर फोर मान लेते हैं
बल्क मॉड्यूलस की डेफिनेशन में पुट कर देते हैं। तो बी इज इक्वल टू, हम जानते हैं, इज गिवेन एज पी वी डेल्टा वी। तो प्रेशर अभी क्या निकाला था इक्वेशन वन में, अगर देखें एम जी अपॉन ए, और डेल वी अपॉन वी कितना आ गया, 3 डेल्टा आर अपॉन आर। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा। तो इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो इसको लिख सकते हैं 3 ए बी अपॉन एम जी इज इक्वल टू आर अपॉन डेल्टा आर। अगर इस इक्वेशन को उलट दें तो क्या होगा, डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू एम जी अपॉन 3 ए बी, फिर ए एरिया ऑफ पिस्टन का और बी बल्क मॉड्यूलस उस मटेरियल का। तो ये आ जाएगा फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस, यही निकालना था हमको, फ्रैक्शनल चेंज इन द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो फ्रैक्शनल चेंज हमारा एम जी अपॉन 3 ए बी आ गया। आई होप यू विल गेट इट। थैंक यू।